देश की शान इस लाल किले पर दावा ठोक दिया गया है। इस पर मालकाना हक का दावा ठोकने वाली महिला कोलकाता की रहने वाली है। नाम है सुल्ताना बेगम। हालांकि कोलकाता की रहने वाली सुल्ताना बेगम का दिल्ली से भी बड़ा गहरा रिश्ता है। दरअसल लाल किले पर हक जताने वाली महिला सुल्ताना बेगम खुद को बहादुर शाह जफर की पौत्र वधु होने का दावा करती है। इसी दावे को लेकर सुल्ताना ने दिल्ली हाई कोर्ट में लाल किले पर मालकाना हक को लेकर एक याचिका दायर की थी। याचिका में सुल्ताना ने कहा कि कानूनी तौर पर लाल किले पर हमारा हक है। मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संदीप दुबे कहते हैं, कोई कहे कि भाई इंडिया गेट मेरा है, कोई कहे जो पार्लियामेंट है वो मेरे जमीन पे है, तो ये नेशनल हेरिटेज की बिल्डिंगें हैं। और जिस तरह से लाल किला को लेके कि कहा गया कि लाल किला हमारा है, तो सोचना चाहिए जो लोग याचिका करते हैं कि इस तरह की भाषा और इस तरह के को लेके कोर्ट के अंदर न जाए, इसमें कोर्ट का भी समय बर्बाद होता है। याचिका पर फैसला सुनाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली ने ये कहकर याचिका खारिज कर दी कि आखिर आपके पूर्वज 150 साल कहाँ थे, आपके पूर्वजों ने इसमें दिलचस्पी क्यों नहीं दिखाई। याचिका दायर करने की वजह भी स्पष्ट नहीं है। ऐसे में राष्ट्रीय धरोहर लाल किले पर आपका दावा खारिज किया जाता है। सुल्ताना बेगम बहादुर शाह जफर द्वितीय के पोते मोहम्मद बेदार बख्त की पत्नी। बेदार बख्त की मृत्यु 22 मई 1980 को हो गई। सुल्ताना बेगम ने अपनी याचिका में कहा था कि 1857 में लाल किले पर अंग्रेजों ने गैर कानूनी तौर पर जबरन कब्जा कर लिया। कंपनी ने उनके दादा ससुर को और आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय को गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया था। इस लाल किले का निर्माण शाहजहां ने यमुना नदी के किनारे 1668 से 1658 के बीच करवाया। छठे बादशाह औरंगजेब ने लाल किले में सफेद संगमरमर से एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, लेकिन 1857 में आखिरी मुगल बादशाह को गिरफ्तार कर शाही परिवार को जबरन कोलकाता भेज दिया गया और जबरन किले पर कब्जा कर लिया गया। देश की आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराया था और देश को संबोधित किया था। और तब से लेकर आज तक देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को किले के प्राचीर से देश और दुनिया को खिताब करते रहे हैं। 2007 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल कर लिया था। हालांकि रेखा पल्ली ने वकील विवेक मोर के जरिए याचिका को खारिज कर दिया, लेकिन इस याचिका पर लोगों ने ये भी सवाल उठाया कि देश की आजादी के बाद देश के सारे संसाधनों पर देश का हक है, किसी व्यक्ति विशेष का नहीं। ऐसे में ऐसी याचिका का मोटिव देश के खिलाफ माना जाता है। सोशल मीडिया पर सुल्ताना बेगम की इस याचिका पर कमेंट्स की भरमार लग गई है।